अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। और आज बहुत दिनों के बाद जो है ना पुराने वाले स्टाइल में मैं अपना ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। फ्राइडे वाला ब्लॉग है। अब ये मैं कब अपलोड करूँगी इसकी तो मुझे खबर खुद भी नहीं है, लेकिन बन गया है तो अपलोड भी हो जाएगा। तो बस यहाँ पर ज़ैनब जो है स्कूल से आ चुकी है, अपनी पेंटिंग सिखा रही थी, और ज़ैनब का आज था ऑरेंज डे, और ज़ैनब जो है यहाँ पर ऑरेंज बनी हुई थी। और कभी ब्लू डे, कभी ऑरेंज डे, कभी रेड डे, इनके ये चलते रहते हैं। पीछे से पानी की आवाज़ आ रही है, क्योंकि यहाँ पर नीचे वाला टैंक जो है वो मैं फिल कर रही हूँ, और सही कर कर आती हुई धूप आज निकली है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत दिनों के बाद सर्दी में ना यार धूप को तरस जाते हैं, लेकिन ये तरसना जो है ना थोड़े दिन का ही है। उसके बाद तो ये हाल होगा कि गैराज में कदम रखना भी ना हमें महाल लगेगा कि यार ये धूप कब जाएगी, और ये धूप फिर हम मतलब कि दुआएँ करेंगे धूप जल्दी से सूरज ढल जाए, धूप ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर ये धूप नहीं ख़त्म होगी, फिर हमारा गर्मी का रोना होगा कि गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। लेकिन फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। नए घर में आके जो है व्लॉग बहुत बनाने जो है कम हो गए हैं, और मेरा था कि नया घर होगा, नई जगह होगी, नया सब कुछ दिखाने को होगा, तो बहुत ज़्यादा डेली व्लॉगिंग हुआ करेगी, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों नहीं है, लेकिन ये कि बाकी ख़त्म हो चुकी है वो चीज़, अब वो जो एक था ना जोश जो था ना वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। और अभी जो है ना ढेर सारी चिड़ियाँ आ चुकी हैं, जो कि दाना मैंने डाला था इनके लिए, ताज़ा ताज़ा पानी रखा था, तो वो सारी दाना चुगने के लिए आ गई हैं। और इतनी मुझे तो बहुत खुशी होती है जब मैं कोई चीज़ खाने पीने के ऐसे डालूं और परिंदे आएँ और वो खाएं। किस किस को खुशी होती है ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। छत पर अलग मैंने रखा हुआ है, यहाँ पर अलग रखा हुआ है, और अपने जो तोते हैं मिट्ठू हैं उनको अलग मैं देती हूँ। माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है। तो चलिए अपने ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। फ्राइडे की क्या रूटीन रही, और फ्राइडे वाले दिन ख़ास तौर पर नमाज़ वगैरह, अभी बच्चे रेडी हो रहे हैं, शलवार कमीज वगैरह पहन रहे हैं, और नहा धो के अभी वो मस्जिद जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। जब वो मस्जिद से आएंगे पीछे हम लोग सारे नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, क्या सेम रूटीन होती है हर फ्राइडे को, तो चलें चलते हैं, वो दिखाती हूँ। और कहीं एक पुरानी जगह पर भी आप लोगों को आज आप लोगों के साथ चलते हैं, आप मैं भी चाहूँगी तो आप लोग भी साथ साथ ब्लॉग में फिरते रहेंगे उस पुरानी जगह पे। तो चलें चलते हैं, ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। टोपी टोपी रुक जाओ, ये लो यान, कोई काम इसका मुकम्मल नहीं होता। फी अमान अल्लाह। दोनों बेटे मेरे नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जा चुके थे, और ये वो जगह है जहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि एंट्रेंस से जब हम अंदर आते हैं तो सीढ़ियों के पास एक छोटी सी जगह है जहाँ पर मैंने दोनों पिंजरे रखे हुए हैं। बाहर गैराज में इन तोतों को, इन पिंजरों को रखने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, बेचारे मर जाएंगे। तो बस नमाज़ वगैरह से फारिग होने के बाद मैं ख़ुद भी धूप में बैठती हूँ, तो साथ ही मैं अपना ये जो छोटा पिंजरा है जिसमें ऑस्ट्रेलियन तोते, इनको भी ले आती हूँ बाहर धूप में, क्योंकि ये भी अच्छा लगता है, इनको इन्जॉय करते हैं और दाना चुगते हुए ये सारे एक साथ इतने कोई प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस जनाब नमाज़ वगैरह से फारिग होने के बाद जो है हमने कब्रिस्तान जाना है खाना वगैरह खाने के बाद। और मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती हूँ कि कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं बेटों को, दोनों को इस तरह अकेले घर से अपने बगैर, वो मेरे बगैर इस तरह बाहर जाएंगे और मैं उन्हें निकालूंगी। और यही होता था कि साल में एक दफ़ा इनके बाबा एक महीने के लिए आते, तो एक महीना पूरा ये लोग अपने बाबा के साथ मस्जिद जाते नमाज़ पढ़ने के लिए। ईद पर अगर वो आते तो ये ईद की नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाते, वरना ये नहीं जाते। यही होता था कि ये छोटे हैं, मैं इनको नहीं भेज सकती, कैसे ये जाएंगे अकेले। लेकिन आस्ता आस्ता इनके बाबा ने भी हिम्मत दिलाई कि नहीं बेटे, अब बड़े हो रहे हैं, इनको आदत डालनी है मस्जिद जाने की, अकेले जाने की, और इस तरह नहीं चल सकता है। तो अकेले हैं हम, और ये एक हकीकत है कि हम अकेले हैं, और हर चीज़ को हमने अकेले ही फेस करना है, तो कोई बड़ा सर पे नहीं है। तो इसलिए अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह के अलावा किसी की ज़रूरत नहीं हमें होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इंसान है ना, हम इंसान को दूसरे इंसान का सहारा ढूंढता है। तो बस बहुत हिम्मत की और दिल को मजबूत किया, यहाँ तक कि मेरे जब दो महीने माशाल्लाह हो गए हैं इन्हें अकेले मस्जिद दोनों को जाते हुए, और अभी भी मैं बहुत डरती हूँ। जब तक ज़रा सा टाइम ऊपर हो जाए इनके वापस आने में, तो मैं होती हूँ कि अभी तक आए क्यों नहीं, टेंशन होने लगती है। लेकिन माशाल्लाह खुशी हंसी खुशी भागते दौड़ते जाते हैं, और बड़ा वाला बेटा मेरा कहता है कि हौसले से हिम्मत से बैठेगा, परेशान ना होएगा, हम आ जाएंगे, आ जाएंगे, हम कहीं
कहीं नहीं जाएंगे। मैं कहती हूँ नहीं नहीं मैं परेशान नहीं होंगी। कहता है नहीं मुझे पता है आप परेशान होंगी। तो माँ है ना, माँ तो परेशान होती है। मैंने यहाँ पर देखा है इस एरिया में भी और अक्सर अक्सर पुराने एरियाज़ में भी मैंने देखा है कि लड़के क्या, लड़के तो फिरते ही हैं आगे पीछे, छोटे हो बड़े हो, लेकिन ये कि बच्चियाँ भी जो होती हैं, जैसे आयज़ा की एज की भी हैं बच्चियाँ, वो भी इधर उधर दुकानों पर अकेली आ रही हैं, चीज़ें ले रही हैं, और इधर उधर ऐवी ऐवी होता है कि वो मोहल्ले में इधर उधर फिर रही हैं। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद। क्या आप लोगों को लड़कियों का इधर उधर ऐसे ऐवी फिरना पसंद है या नहीं पसंद, या आप लोगों की लड़कियाँ भी फिरती हैं तो ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। बेटों को तो निकालना ज़रूरी है, क्योंकि इनको अगर हम नहीं निकालेंगे तो वही बात है कि ये मम्मी डैडी वाले बच्चे बन जाएंगे। हाँ, लेकिन बेटियों को निकालने के हक़ में मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं नहीं समझती कि बेटियों को निकालने की ज़रूरत है, और ज़रूरत अगर है भी तो जब भी नहीं निकालना चाहिए। हाँ, अगर आप किसी दुकान पे जा रहे हैं, कुछ भी है, तो बेटियों को बोल, इतना कॉन्फिडेंस उनमें होना चाहिए कि करें खुद जाके वो चीज़ ख़रीदें, कपड़े हों या जो कुछ भी हो। लेकिन आप, मेरा मतलब सिर्फ ये है कि माँ का होना ज़रूरी है। अकेली लड़की का काम ही नहीं है कि वो दुकानों पे जाए, मार्केट जाए या कुछ भी कहीं भी जाए। हाँ, जब आप एक एज आती है जब लड़कियाँ भी समझदार हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, फिर वो वैगनों में भी फिरें, फिर वो जहाँ मर्जी जाएं। लेकिन अकेले इस एज में, जो कि आयज़ा की एज है 11, 12, 13, 14, इस एज में तो बिल्कुल भी आपको, मैं समझती हूँ, या इससे छोटी एज में भी बच्चियों को बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए। आप लोग क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के बाद कब्रिस्तान हम लोग ज़रूर जाते हैं, सूरह यासीन वगैरह मैं और आयज़ा हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद जो है, इस बार हमने सोचा कि क्यों ना अपने पुराने नेबर्स के घर, बहुत टाइम हुआ नहीं गए, तो वहाँ पर हम लोग गए। उसके बाद जो है, हम लोग अपने इस पुराने घर को जो है बाहर से देख रहे थे। ये वही गार्डन है, मिनी गार्डन जिसको हमने बनाया हुआ था, जहाँ टमाटर और तरबूज और पता नहीं पुदीना क्या क्या कुछ हमने नहीं लगाया हुआ था। और हसरत से हम इस घर को देख रहे थे, यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम इस घर को छोड़ के चले गए हैं। 6 से 7 महीने हम इस घर में रहे, लेकिन कोई मौका, कोई खुशी, कोई इवेंट हमने, बेशक वो ईद हो, रमज़ान हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो, इस 6-7 महीने में हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है। बहुत दिल से सेलिब्रेशन की है, 12 रबी अव्वल था, उसको मनाया, हर चीज़ को। तो बस यादें रह जाती हैं, और यादें जो होती हैं ना, वो अच्छी यादें होना तो वो कभी भी नहीं हम भूल पाते हैं। हाँ, बुरी यादें जो होती हैं ना, मैं उनको भूल जाती हूँ। मैं कहती हूँ बुरी यादों को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, आगे से आगे आपको ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ज़िंदगी में आगे से आगे बढ़ें, बुरी बातों को या बुरी यादों को दिमाग में रख के फजूल में अपना आप को जलाना कुड़ना फ़ायदा नहीं। इसके बरक्स बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बुरी यादों को भी दिलो दिमाग से उनके निकलती नहीं है, वो नहीं भूलते हैं, मौके की ताक में होते हैं। तो चले, अपना आप है जो लोग अपना आप दिखाते हैं। इसी के साथ अपना ख्याल रखेंगे, अल्लाह हाफिज़।